हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोबाइल व गहने लूट के चार आरोपी गिरफ्तार। रीको पुलिस ने बाइक चालक युवक व महिला के साथ मारपीट कर मोबाइल व नकदी लूटने के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी धर्मेंद्र सिंह की ओर से चोरी, नकबजनी एवं लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए व वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत डीएसपी प्रवीण कुमार के सुपरविजन में रीको थाना अधिकारी बलभद्र सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम में सहायक उप निरीक्षक दिनेश कुमार, कांस्टेबल अमन कुमार व बालू राम को शामिल किया गया। टीम द्वारा मुखबिरों की सहायता व तकनीकी विश्लेषण के आधार पर बाइक सवार मुकेश कुमार व उसकी भांजी के साथ मारपीट कर मोबाइल व नकदी छीनने के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 जुलाई को रात को की थी लूट। गत 3 जुलाई की रात में 7-8 अज्ञात आरोपियों ने अम्बरनाथ महादेव मंदिर भैसा सिंह रोड पर बाइक सवार भैसा सिंह निवासी मुकेश कुमार पुत्र मांगी लाल गरासिया व उसकी भांजी के साथ मारपीट की। मोबाइल व गहने लूट कर फरार हो गए। इस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। 4 लुटेरे गिरफ्तार। पुलिस ने आबू रोड के कुएं की आकोर पली निवासी गुला राम पुत्र पूरा राम गरासिया, चतरा राम पुत्र बेला राम गरासिया, लाला राम पुत्र गलबा राम गरासिया व गोवा राम पुत्र गलबा राम गरासिया को गिरफ्तार किया। चारों आरोपी आबू रोड के कुई गांव की आकोर पली निवासी है। टीम को मिली सफलता। आरोपी रात्रि के समय शराब पीकर बाइकों पर सवार होकर रास्ते जाते हुए लोगों को मारपीट कर मोबाइल, आभूषण आदि की लूट व चोरी करते थे। अमरनाथ महादेव मंदिर भैसा सिंह रोड पर बाइक सवार भैसा सिंह निवासी मुकेश कुमार व उसकी भांजी के साथ मारपीट कर मोबाइल व नकदी लूट कर ले गए थे, दहशत पैदा की। इस पर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने घटना को गंभीरता से लिया, विशेष टीम का गठन किया, आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। मुखबिर सूचना व तकनीकी विश्लेषण की सहायता से घटना के वांछित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की सघनता से तलाश की जा रही है। जागरूक टीवी की आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।